कौन कहता है कि सुख भवनों में छिपा है। भवन में छिपा रहता ना, भवन में छिपा रहता ना। हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष जी यहाँ हम लोगों के बीच में खोजते नहीं आते, क्योंकि उनके पास बहुत लंबा चौड़ा भवन है बॉम्बे में, हम देखें कई करोड़ का है। बजरंगबली के पास तो अरबों का है, लेकिन सुख नहीं है। पूछिएगा, सारा सुख दिव्य आत्माएं अंत हृदय में, बाहर नहीं। देखने से लगता है कि वह आत्मा सुखी है, लेकिन सुखी नहीं। सुखी वही है जो अपने अंदर। अंदर कैसे प्रवेश करेंगे वह सुबह तो हम बताएंगे, लेकिन देखिए भाव का बहुत महत्व है। अच्छा, आप लोग बाजार गए होंगे, सब्जी खरीदे होंगे, कुछ लोग चावल भी खरीदे होंगे, कुछ लोग कपड़े भी खरीदे होंगे, तो जाते क्या बोलते हैं, क्या भाव है, बोलते हैं नहीं बोलते। यदि संसार में कोई चीज लेना हो बिना भाव से नहीं मिलता, तो उस परम शक्ति सत्ता बिना भाव से मिलेंगी, बिना भाव से मिलेंगी। जिसके आदि शक्ति पुराण कहता है कि ब्रह्मा विष्णु शंभु उपजाई, विधि लेखनी निज हाथ मिटाई। आहा, सोचने की बात है। दिव्य आत्मा है, मातेश्वरी परिवार में दुर्गा जी का पूजा नहीं होता है, दुर्गा जी का पूजा नहीं होता है, आदिशक्ति की पूजा होता है। और आदिशक्ति और दुर्गा में अंतर है। आज समय नहीं है, नहीं हम बताते, किसी दिन बताएंगे, ठीक है। वह आदिशक्ति स्वरूप आप लोग देखे होंगे कि ओम जहां से निकला है उसके ऊपर आदिशक्ति लोग बना है, देखे होंगे। जो आपके पास इसमें देखेंगे, इसमें भी है ना, हाँ इसमें भी है, देखें, हाँ इसमें भी है। जो सदगुरु के हाथ से तेज है, तो वह तेज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीनों लोगों का प्रतीक बना है, चार लोगों का, सिख का भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार लोगों का प्रतीक है, और सभी आसक्ति लोग से ही निकले हैं। यहां आने के बाद अपने हिसाब से मजहब पंथ बना लिए, वे सच्चाई है, सभी एक है, एक जगह से निकले। विश्व जगत की धरती अपना जगत पिता के लाल, नया संसार बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। हमारे यहां जात पात का भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं सिखाता है, लेकिन बीच में कर देते हैं लोग, इसीलिए हमसे सबसे पटती नहीं। सुदर्शन जी महाराज, हमारे किसी भी लोगों से, ऐसे लोगों से नहीं पटते जो जाति पात के भेद में या धर्म मजहब के नाम से बांटते हो, वो मुझे प्रिय नहीं है, ना हमारे लोगों को प्रिय है। और जो एक बार रसवादन कर लिया ना उस परम शक्ति सत्ता के चरणों में, फिर वह जाति का बात नहीं करेगा, ठीक है ना, संप्रदाय की बात नहीं करेगा, पंथ की बात नहीं करेगा, मजहब की बात। अरे सागर जब मिल गया, सागर में जब पहुंच गया, तो कहां उसमें गंगा है, कहां उसमें सुस्तर है, कहां उसमें जमुना है, कहां उसमें सरस्वती है, कहां उसमें कृष्णा है, कहां उसमें कावेरी है, कहां उसमें सतलज है, कहां उसमें ब्रह्मपुत्र है, कोई नदी नहीं है, सभी समुद्र है। तो समुद्र को कौन पाएगा, जो सदगुरु बनाएगा वही पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा।